और कोई कर सकता है, मेरे को सेंड कर देना उसके बाद। चलो अब इसके आंसर में बता रहा हूँ, किसी को बोलना आंसर फर्स्ट का, N4 है, L2 है, तुम बताना इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ऑर्बिटल्स कितने होंगे और सबशेल्स कितने होंगे, ये बताना तुम्हें। फर्स्ट केस में N4 L2। इलेक्ट्रॉन, सबशेल्स और ऑर्बिटल्स। विधि बोलो क्या आंसर है। सर इलेक्ट्रॉन्स 10, ऑर्बिटल 5, सबशेल 4। चलो अभी देखेंगे आंसर एक बार। देखो 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 इधर देखो, N4 है, L2 है, मतलब 4D हो गया ये। 4D तो एक ही सबशेल है ना, 4D तो एक ही सबशेल है, ये एक सबशेल होगा, एक सबशेल है, और D है, एक सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5, ये 5 ऑर्बिटल्स हैं, एक सबशेल है, ये 5 ऑर्बिटल, एक सबशेल और इलेक्ट्रॉन्स होंगे 10। विधि एक एक आंसर गलत है तुम्हारा शायद। यस सर, सबशेल वाला। अच्छा अब ये क्लियर हो गया सबको कि नहीं, एक भी पॉइंट डाउट मत रहने देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसके अंदर, नीट और IIT दोनों में पूछते हैं क्वेश्चन इसके। हर्षित तेरे को समझ आ गए, यस सर। बहुत ढंग से करियो। N4L2 मतलब 4D, 4D मतलब एक सबशेल है, 5 ऑर्बिटल है, 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नेक्स्ट कौन बताएगा अब। N4 M-2। बोलो सर नंबर ऑफ सबशेल 4। हाँ। सर ऑर्बिटल 16। हाँ सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 32। ये किसने बोला है, सर कशिश। कशिश? और कोई बच्चा? और कोई? ये बाकी ये विधि कनिका आंसर बोलो, इनके आंसर आने चाहिए सही। सर इलेक्ट्रॉन 4, ऑर्बिटल 2। इलेक्ट्रॉन्स 4 ऑर्बिटल्स, 2 2 सबशेल्स। विधि का आंसर 4 इलेक्ट्रॉन्स 2 ऑर्बिटल्स। देखो तुम लोग, चलो अभी मैं बता रहा हूँ आंसर इसका। आंसर देखो, N4 है तो L देखो क्या होगा, 0 1 2 3, 0 1 2 3 होगा, लेकिन M-2 है, M-2 एक तो इसमें आ सकता है, M-2 एक इसमें आ सकता है, क्योंकि तो L0 पे तो M0 होगा, L1 पे भी M-1 से +1 तक होगा, L2 पे M जो है -2 से लेके +2 तक होगा, सही ना। L2 पे M-2 से +2 तक होगा, तो -2 आ गया इसमें, और L3 है तो M-3 से +3 तक होगा, तो इसमें एक M-2 आ जाएगा, समझ गए कि नहीं। तो M की वैल्यू 2 जगह आ रही है, ऑर्बिटल कौन से आएंगे और सबशेल कौन सा आएगा, सबशेल एक आएगा 4D, 4D का एक ऑर्बिटल होगा, एक सबशेल आएगा 4F, और 4F का भी एक ही ऑर्बिटल होगा, तो 2 सबशेल है, 2 ऑर्बिटल्स हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कनिका क्या आंसर था? ये कनिका का बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे कनिका। और किसी का और समझ आ गया सबको कि नहीं? है समझ आना सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर ये समझ नहीं आ रहे क्वेश्चन रिपीट करना जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इनके अंदर। विधि यस सर। ये सही था गलत था तुम्हारा? सर सही था। चलो सही है, नेक्स्ट देखेंगे। और किसी बच्चे का सही हुआ ये? बस अभी देख रहा हूं मैं कनिका, और किसी बच्चे का सही हुआ था ये?
दिया का सही था। चलो नेक्स्ट आंसर देखेंगे, नेक्स्ट आंसर। N5 है, L2 है और S-1। N5 L2 S-1, N5 L2 यानी 5D हो गया और S-1 है, S-1 है। पहले तो इसमें N5 L2 है तो ये एक सबशेल हो गया, इस एक सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होंगे, 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन हमें S-1 वाले चाहिए तो 5 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ये सबशेल, ये ऑर्बिटल और ये इलेक्ट्रॉन्स। कनिका सही है? और किसका सही हुआ ये कनिका के अलावा? विधि का सही है, और कोई? और किसी का सही हुआ ये? अतुल्य का सही है, बहुत अच्छा अतुल्य। अब नेक्स्ट बताएंगे, N4L3M-2, N4L3M-2, 1 1 2। और किसको बोला आंसर? सर मेरा आप इनका उसमें समझ सबसे एक नहीं आया आ गया कि नहीं? सर, एक बार सबसे वाला बता दो। आगे वाले क्वेश्चन देखो, अपने आप समझ आ जाएगा। एक बार देखना, नहीं आएगा तो दोबारा पूछना। N4L3M-2। प्रियंका बोलो तुम। 4D सबशेल होगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 5 ऑर्बिटल्स। प्रियंका L3 है ना, देखो ढंग से, L3 है। देखो उधर, N4L3 यानी 4F हो जाएगा ये। N4 है, L3 है तो 4F हो जाएगा कि नहीं? प्रियंका, N4L3 4F हो गया, 4F हो गया। M है -2, 4F के अंदर एक ही -2 आएगा तो एक ऑर्बिटल होगा। M-2 मतलब एक ही ऑर्बिटल है सिर्फ ये। N4L3M-2 तो 4F का एक ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये 4F सबशेल एक होगा, सबशेल एक, ऑर्बिटल एक और इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2, 1 1 2। ये मुझे लग रहा है कनिका का सही है। कनिका सही है ना तुम्हारा ये? चलो सही। और किसका सही हुआ कनिका के अलावा? विधि का सही है, और कोई? नहीं। तुम्हें अपना डाउट क्लियर हुआ है क्या अभी? दिया कि नहीं? सर अब इतना अच्छे से आया नहीं। कुछ मेरा आगे लास्ट तक देखो फिर पूछना दोबारा। N5 M-2 S+1/2, ये कौन बताएगा? N5 M-2 S+1/2। बोलना किसी को? 3 3 5 3। चलो निकाल दिया, कनिका ने दे दिया आंसर। और कोई बच्चा? और किसी को बोला आंसर? N5 M-2 S+1/2। देखो उधर, विधि तुम बोलो आंसर एक बार। सर इलेक्ट्रॉन 1 ऑर्बिटल 1। हाँ देखो उधर, N5 है, N5 है तो L हो गया 0 1 2 3 4। ये आएगा कि नहीं विधि? यस सर, तो M-2 एक तो इसमें आएगा, इसमें तो M-2 का मतलब ही नहीं कोई। इसमें एक M-2 आएगा, इसमें भी एक M-2 आएगा और इसमें भी एक M-2 आएगा। नहीं समझे विधि? सर आ गया। हाँ तो अभी कनिका का सही है मुझे लग रहा है। इसमें N5 है, L2 भी है, 3 भी है, 4 है, जिसमें M-2 आएगा।
तो एक तो 5D हो गया, ये एक 5F हो गया और एक 5G हो गया, ये तीन हो गए सबशेल, और इन तीनों में एक एक ऑर्बिटल, -2 वाला, -2 वाला, -2 वाला, तीन सबशेल और तीन ही ऑर्बिटल्स, और तीन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तीन, क्यों, क्योंकि एस प्लस हाफ है, प्लस हाफ वाले, तीन ऑर्बिटल में तो 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए लेकिन एस लेना है प्लस हाफ वाला, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन। ये कनिका का बिल्कुल सही है, जिसका और सही हो रहा है तो उसको समझ आ रहा है कंसेप्ट, नहीं तो नहीं समझ आ रहा तुम्हें कंसेप्ट, ये सीख लो ढंग से बिल्कुल एकदम। दिया अभी तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ, अब भी नहीं हुआ है, अब आ एग्जैक्टली गया। हो गया। अच्छा अब लास्ट क्वेश्चन एक और, पहले एक बार हैंड सेज करना कि किसको यहां तक समझ आ गए सारे क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं अभी, एक बार हैंड सेज कर देंगे, डाउट है तो दोबारा पूछ लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंसेप्ट वाले ये। अभी रह रहे हैं एक दो बच्चे, मनी, कशिश, योग, अतुल्य, ध्रुव, विधि, लक्ष्य, कनिका, हर्षित, काजल, दिया, दिवस, प्रियंका, सौम्या, भव्या, हिमांशु, हिमांशु समझ नहीं आ रहा है, चलो अभी देखना है। लास्ट क्वेश्चन, N4M mod of 2, ये निकाला किसी ने, चलो एक कनिका ने बोल दिया, विधि तुम बोलो जरा, सर इलेक्ट्रॉन 4 ऑर्बिटल 2। इलेक्ट्रॉन 4 ऑर्बिटल 2 और सबशेल, सर सबसे नहीं निकला। नहीं निकला कुछ है, देखो यार N4 है, एन फोर है तो एल होगा 0 1 2 3, ये होगा। अब एम मॉड ऑफ 2 का मतलब होता है M-2 भी है और +2, दोनों लेंगे M-2 और +2 दोनों लेंगे, तो -2 +2 इसमें आएगा, -2 +2 और M-2 और +2 इसमें भी आएगा, तो ये सबशेल हो गया, N4 है, L 0 1 2 3, लेकिन हमें इससे मतलब है सिर्फ, क्योंकि इसी में आ रहा है M mod of 2, 4D और 4F, इसके अंदर 2 ऑर्बिटल और इसके अंदर भी 2 ऑर्बिटल, तो 2 सबशेल, 4 ऑर्बिटल और 8 इलेक्ट्रॉन, मुझे लग रहा है कनिका का सही है बिल्कुल, कनिका यही निकाला, यही दिखा रहा तुमने, कनिका के सारे सही है क्वेश्चन। विधि समझ आ गया तुम्हें कि नहीं, यस सर। विधि गलत क्यों हो रही है, सर समझ मॉड लो नहीं कि गलत, देखा मैंने। चलो कुछ अब कंफ्यूजन दूर हो गया कि नहीं, यस सर। चलो एक दो क्वेश्चन और निकाल दो इसी टाइप पे, देखो ये अच्छे क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं और कभी भी तीनों नहीं पूछेंगे, मैं तो तीनों पूछ रहा हूँ ना, पूछेंगे तो 2 ही पूछेंगे। देखो इधर, चलो 5 है, ये अब आंसर निकलने चाहिए सबसे, एम लेना तुम, एम को ऐसे ले लो -1 +1, -1 से +1 के बीच में N4 ले लो, नहीं तो थोड़ा ज्यादा वैल्यू हो जाएंगी, N4 है, और ये अब तुम्हें इसमें भी बताना है सबशेल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, सबशेल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, एक ये निकाल दो, एक ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन N4 और एक निकालो तुम,
एम माइनस वन, एन फोर एम माइनस वन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है एक तरह से, पीछे भी दिया है, ये दो निकालो जरा। सबशेल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, आदित्य यस आदित्य अभी एक बार लेक्चर तू रिपीट करियो, मेरे को हर्षित भेज देगा रिकॉर्डिंग में, उसमें भेज दूंगा तेरे को, सही है? हाँ ओके सर। ये वही कराया है, तेरे को ध्यान होगा अगर, सबशेल ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, वही टॉपिक है, क्लियर है कि नहीं? यस सर। कल औरनी की क्लास होगी, सब पढ़ के आना जरूर ढंग से, स्ट्रक्चर्स नहीं बना के आओगे ना, एक मैं क्लास में एंट्री नहीं दूंगा, और दूसरा अगर स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हो मन से, तुम खुद मन से नहीं कर रहे हो, सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हो काम, तो कल की क्लास का समझ नहीं आएगा। बहुत बेसिक क्लासेस हैं ये ऑर्गेनिक की, इनको बहुत ढंग से अटेंड करो, तुम्हें खुद मजा आएगा अगर तुम रिपीट कर रहे हो उसको। इस साल अगर कर लिया ना 11th वाले बच्चों ने स्पेशली, तो नेक्स्ट ईयर उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा, 12th वालों को तो करना ही करना है, और ये पूरी ऑर्गेनिक होगी, एक एक चीज बहुत डिटेल में होगी, इसलिए जरूर कर लो काम, और काम करके आना जरूर, जो मैंने तुम्हें नेम रिएक्शन डिस्टिंक्शन और कन्वर्जेंस के बारे में जो मैं हर बार पूछता हूँ वो करके आना जरूर। चलो किसने आंसर निकाल लिया, जल्दी आंसर देंगे इसका। कनिका ने निकाल लिया है, कनिका एक बार भेजना दोबारा आंसर, क्या भेजा तुमने? चलो कनिका का आंसर मिल गया मेरे को, और कोई बच्चा दूसरा भी निकाल लिया कनिका? ओके कनिका, दिया निकाला है आंसर? दिया बोलो पहले का आंसर। सर पहले के मेरे तो सब शेल 2 आ रहे हैं, 6 ऑर्बिटल और 12 इलेक्ट्रॉन। अच्छा चलो सही है, देखो एम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है तो पहले, माइनस वन सर माइनस वन टू जीरो, प्लस वन माइनस वन टू प्लस वन, मतलब माइनस वन जीरो प्लस वन आएगा कि नहीं? यस सर। और अगर इक्वल टू इंक्लूड नहीं होता तो क्या था? सर सिर्फ अगर जीरो ये, होता। बहुत अच्छे बहुत अच्छा आदित्य, अभी माइनस वन जीरो प्लस वन, ये तीन वैल्यूज हैं एम की, तो एल हो गया 0 1 2 3, माइनस वन जीरो प्लस वन, जीरो में एक जीरो आ गया, एक वैल्यू इसके लेंगे, इसकी तीन वैल्यू लेंगे, इसकी तीन वैल्यू लेंगे, इसकी तीन वैल्यू लेंगे, क्या समझ आ गया? ये माइनस वन जीरो प्लस वन देखना तुम्हें कहाँ कहाँ आएगा, क्या क्लियर हो गया? ये टोटल कितनी वैल्यू, कितने हो गए ऑर्बिटल्स? 10 ऑर्बिटल हो गए, ये सबशेल 4, 4s भी आएगा, 4p भी आएगा, 4d भी आएगा, 4f भी आएगा, एक ऑर्बिटल, चार सबशेल हो गए, एक ऑर्बिटल इसमें, देखो सर आदित्य कुछ बोलना है तेरे को? नो सर, वो मैंने आपको वो 10 ऑर्बिटल्स की जगह सबसे लिख के भेज दिया था। 4s में एक ऑर्बिटल, 4p में तीन ऑर्बिटल, 4d में पांच ऑर्बिटल, 4f में सात ऑर्बिटल,
4F में 7 ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन हमें कितने लेने हैं, -1 0+1, इसमें भी -1 0+1 3 लेंगे, इसमें भी -1 0+1 3 लेंगे, तो 10 ऑर्बिटल आएंगे, 4 सबशेल 10 ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन्स होंगे 20, 4 10 और 20, क्या किसी भी बच्चे का सही हुआ है ये? चार दस और बीस, दिया सही तुम्हारा क्या है? विधि यस सर, सही है तुम्हारा, गलत है अभी ये? सर सही है। और किसका सही हुआ है? लास्ट वाले को बोलो आंसर, लास्ट वाले का। ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया कि नहीं है? ऊपर वाला N4 और M-1 से +1 तक, ये सबको समझ आ गया कि नहीं? N4 M-1 का आंसर बोलो। थ्री थ्री सिक्स एन फोर सर है, 3 सबशेल 3 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन। हाँ देखते हैं अभी, N4 है तो L होगा 0 1 2 3, 0 1 2 3, तो -1 एक तो यहाँ आएगा, -1 एक यहाँ आएगा, -1 एक यहाँ आएगा, तीन जगह आएगा -1, तो 3 सबशेल 3 ऑर्बिटल और 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि तो 4P आएगा, 4D आएगा, 4F आएगा, 3 सबशेल हो गए और 3 ही ऑर्बिटल, हर एक में -1 जरूर होगा, 3 सबशेल 3 ऑर्बिटल और 6 इलेक्ट्रॉन, क्या क्लियर हुआ है? प्रियंका का सही है, दिया का सही है। देखो इन क्वेश्चंस को बहुत ढंग से दोबारा प्रैक्टिस करना है जरूर, प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर दिक्कत रहेगी इसमें। समझ आ गया कि नहीं? चलो एक बार रिज्वाइन कर लेंगे, क्वेश्चंस करना है अभी प्रैक्टिस। एक बार रिज्वाइन कर लेंगे।